पलक झपकते ही दोपहिया वाहन पर हाथ साफ करके भुला देने वाले गैंग के चार जनों को पश्चिम जोन पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जोन पुलिस ने चार साथी वाहन चोरों जिसमें अमित सोनी उम्र 32 वर्ष पुत्र कालका प्रसाद निवासी चौबेपुर, दूसरा अशोक कुमार उम्र 25 वर्ष पुत्र रामनारायण निवासी मोमिनपुर उन्नाव, तीसरा चांद बाबू उम्र 22 वर्ष पुत्र यूसुफ अली निवासी शाहपुर शिवराजपुर और चौथा है राम नरेश कटियार उम्र 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सूबेदार निवासी अहिरवा जिला औरैया को 14 वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार, थाना बिठूर प्रभारी निरीक्षक जगदीश पांडे, थाना चौबेपुर उप निरीक्षक शिव प्रताप सिंह, सर्विलांस टीम व स्वाट टीम, वरिष्ठ उप निरीक्षक देवी शरण, थाना बिठूर उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह रावत, थाना बिठूर उप निरीक्षक सचिन भाटी, थाना बिठूर उप निरीक्षक विवेक त्यागी, थाना बिठूर उप निरीक्षक मुसम्मिल हुसैन, थाना चौबेपुर हेड कांस्टेबल हरिओम यादव, कांस्टेबल अवधेश कुमार, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल परशुराम, कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल शैलेश, कांस्टेबल राजेश मौजूद रहे। डीसीपी वेस्ट द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। विगत कुछ समय में पश्चिम जोन के कुछ क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की कुछ घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को सफल अनावरण करते हुए थाना बिठूर, थाना चौबेपुर और स्वॉट टीम के संयुक्त प्रयास से 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उनमें 9 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 3 डिसमेंटल मोटरसाइकिल्स हैं। जो 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अमित सोनी मेन एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर पूर्व में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। उसके अतिरिक्त राम नरेश कटियार, ये कबाड़ी का काम करता है, और उनके अन्य दो साथी अशोक कुमार और चांद बाबू, ये दोनों मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। ये सब लोग मिलके मोटरसाइकिल चुराते थे और बाद में उसको डिसमेंटल करके उसको कबाड़ के रूप में, स्क्रैप के रूप में और स्पेयर पार्ट्स को सेकंड हैंड मार्केट में या इस प्रकार जो लोग इनके पास अपनी मोटरसाइकिल को रिपेयर कराने आते थे उसमें यूज़ करते थे। इन लोगों से पूछताछ में हमें कुछ लाभप्रद जानकारी मिली है, जिससे इनसे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों और आगे और अधिक गाड़ियों की बरामदगी होने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। इस टीम को हौसला अफजाई के लिए, उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये नकद पुरस्कार से दिया गया है।